जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसकी थंबनेल पे हम लोगों ने एक टैगलाइन लगाई हुई है, अब महाकुंभ की तैयारी। तो दो सीरीज हो चुकी है, दो वीडियो हो चुकी है। महाकुंभ मतलब कोई भी गोता लगाए, कोई सबके लिए खुली है और कोई भी महाकुंभ में पीछा ना हटे, यहां नहा के जाना है, क्योंकि मेरी एक ही लाइन है, परीक्षा की खोपड़ी में सीधे छेद करना है इस बार। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके थे, यूनिट वन की ही पूरी ताबड़तोड़ बैटिंग हम लोग की चल रही थी। तो सिक्स हम अराउंड अबाउट 23 to 24 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे बाई एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 21, द फोर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, ऐसे फोर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द को प्लानर फोर्सेस। वो क्या कहलाते हैं? को प्लानर फोर्सेस कहलाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द को प्लानर फोर्सेस। द फोर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर फोर्सेस। देखिए कितनी बढ़िया चीजें निकाली गई है, कोलिनियर फोर्सेस। तो 22 आंसर इज कोलिनियर। द सिस्टम ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्सेस। वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्स। इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर दो टाइप ऑफ द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहां समझाने नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूं। फोर्स है तो फोर्स है, एमए है, एमए है तो मतलब यानी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपको जिसमें डायरेक्शन ना दिखे वो सब स्केलर क्वांटिटी है। सो दैट 25 क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इंटू टू, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इंटू टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड, जब एक फोर्स, एक फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, घटक कहते हैं। सो ये इंग्लिश वर्ड क्या है? रेजोल्यूशन, और हिंदी वर्ड क्या है? घटक। जिसको तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट में बांटते हो, तो तुम्हें हमें बेसिक बताया था कॉस थीटा और साइन थीटा में बांटते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। अ फोर्स रिक्वायर्ड पैरामीटर टू डिफाइंड कंप्लीटली इज कॉल्ड फोर। फोर तुम्हें रिक्वायर्ड पैरामीटर चाहिए जिनको डिफाइन करने के लिए फोर्स को, आपका मैग्नीट्यूड, आपको डायरेक्शन, आपको प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सो दैट इज, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल, किसी एक एंगल पे लग रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट क्या होता है? तो आपको पहले रिविजन क्लासेस रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। The x component of force, मान लीजिए किसी फोर्स का x component है तो उसका क्या वैल्यू होगी? तो आपको मालूम है F का x component क्या होगा? F cos theta. So that's why F cos theta. So that's why सारी वैल्यू मैंने आपको यहां दे रखी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। According to the Lamy theorem, the force is proportional to the sine of angle. Force क्या है? Proportional है sine of angle between the other two forces. So क्या होता है? ये sine of angle के क्या है? Directly proportional है, साइन ऑफ एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट्स व्हाई फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती जिसको कहते हैं। द क्लोजिंग साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, क्लोजिंग साइड जो रेगुलर पॉलीगन की बनाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। वहां रिजल्टेंट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस आर इक्वल टू 3। थ्री नॉन कॉलर पैलर फोर्सेस हैं, वो आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट। सो ये मेरे बेसिक थोड़ा पार्ट हुआ। अब मैं फ्रिक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। फ्रिक्शन के ऊपर भी हम फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रन ऑन सैंड, सैंड के ऊपर चलना एक टफ है। तो ये क्यों टफ है? क्योंकि आप देखिए सैंड क्या है? रफ है, सैंड हमारा रफ है। अब वो जब सैंड क्या हो, जब अब तुम पैर दबाते हो तो सैंड दबती है, तो वो उतनी रिएक्शन ऊपर नहीं दे पाती जिससे चलना दिखे। ये नहीं कि सरफेस के ऊपर, सैंड पर रिएक्शन कम लग रही, तो ऑफर वेरी लिटिल रिएक्शन, क्योंकि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जब लेते हो तो वही बॉडी का फोर्स इक्वल में, तभी आप चल पाओगे, बैलेंस नहीं है वहां पे। सो लिटिल ऑफर है। अ लैडर रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर पे रखी हुई है, ऑन अ लीगिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ, मतलब कहने का मतलब है एक सीढ़ी एक जमीन पे रखी है और अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी तब, क्योंकि जब नहीं होगी, जब दोनों क्या होंगी, वॉल स्मूथ होंगी, एक स्मूथ है और एक, तो आपकी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में होगी तो स्मूथ नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई द फ्लोर एंड द वॉल आर बोथ स्मूथ, सो दैट्स व्हाई दे आर मे नॉट बी इन एन इक्विलिब्रियम इफ द
If F is a force, R is a result reaction and S are the force of friction, normal reaction and resultant. S को यहाँ resultant माना गया है, तो F and R, then coefficient of friction. Coefficient of friction क्या होता है? आपको मालूम है F is equal to होता है बेटा M mu R, तो mu is equal to क्या होता है? F by R. ये सब reaction. तो F by R जहाँ मिल जाएगा, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? F by R. तो F by R, B answer is correct. Then coefficient of friction is coefficient of friction is F by R, R by F, F is the friction of force of friction, ठीक है, normal reaction is R and the resultant of and S are the resultant of F and R, then R by F, so answer is I think this is not a correct, R by F is the answer. Column friction is between जो दो तरह के कॉलम जो फ्रिक्शन होते हैं वो ड्राई सरफेस के लिए होते हैं. आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कॉलम फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो वहां पे ड्राई सरफेस के लिए लगती है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कभी इक्वल नहीं होती कॉफिशियंट ऑफ. म्यू इज इक्वल टू 10 फाई होता है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. नहीं है ये सही. Tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction. Tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction. नहीं, ये भी नहीं है. Cotangent of angle of friction is equal to the coefficient of angle. ये सही है. तो rolling friction is less than the static friction. Static friction just is similar to the limiting friction. लेकिन यार rolling friction जो होता है वो less होता है static friction से. ये याद रखिएगा आप लोग. Which of the following statement, मतलब आप friction में थोड़ा सा formula mu is equal to fr और आप mu is equal to 10 phi वाला concept और थोड़ा मेरा video एक बार आप friction वाला जरूर consider करिए. Which of the following statement regarding law governing the friction between dry surface are correct. अब dry surface मतलब जहाँ पे lubrication नहीं है आपका, तो friction forces depend on the velocity of the sliding. क्या वेलोसिटी? अरे वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग पे तो तब डिपेंड करेंगे कि जब वो चल रहे होंगे. अभी ये नहीं. फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स. बिल्कुल सही है, नॉर्मल फोर्स के फ्रिक्शन. जो जैसे मतलब यानी आपकी एक बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर रिएक्शन जाएगी, तो नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है. फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेस. बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्ट सर्फेस रफ है या स्मूथ है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगी. बिल्कुल सही है. दो और थ्री तो समझ में आ रहा है, स्लाइडिंग तो अभी नहीं डिपेंड है. द फ्रिक्शन फोर्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे नहीं निर्भर करता है कि क्या एरिया है आपका. सो टू थ्री एंड फोर इज करेक्ट फॉर द फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई सरफेस. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जब बॉडी बिल्कुल जस्ट मूव करने लगे, इसके बाद आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसे आते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका हो जाएगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट इज इनडिपेंडेंट. वो इनडिपेंडेंट होता. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? दे आर नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट. दे आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस, आदर द सर्फेस इज स्मूथ और रफ. वो डिपेंड करते हैं कि सर्फेस रफ है या स्मूथ है. वो उसके नॉर्मल रिएक्शन पे, फोर्स पे लिखने वाले नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं. सो एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट पे नहीं, क्योंकि इनडिपेंडेंट पूछा है, किस पे नहीं डिपेंड करता है. अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. द कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.7. द फ्रिक्शन फोर्स. आपको इस वीडियो के लिए प्लीज मेरे एक बेसिक क्वेश्चन वीडियो पे जाइएगा और उसमें फॉर्मुला लगेगा. कह रहा है एक ब्लॉक है मास 2 केजी रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड, इस तरह प्लेन पे रखा हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू तुम्हें 30 दी हुई है. आप सीधे उसमें आप कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लगा सकते, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. स्टेट आपको फॉर्मूला भी दे दिया है मैंने, तो वहां मिनिमम फोर्स निकालिए, आपको सीधे वैल्यू मिल जाएगी. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. इट इज डिफिकल्ट टू रन ऑन सैंड सिंस नो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस बाय सैंड. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैंड में चल सकते हो, तो चल सकते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गलत है. तो दैट इज वाई फर्स्ट इज रॉन्ग. फ्रिक्शन इज नेसेसरी ऑन एवरी लाइफ. बिल्कुल सही है, आपको फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप हर चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ऑन वन एंड ऑफ द लैडर इज ऑन स्मूथ वॉल. एक स्मूथ वॉल पे है एंड अदर ऑन द ग्राउंड. व्हेन अ मैन क्लिम द लैडर, लैडर इज मोर लाइकली टू स्लिप व्हेन द रीच एट द टॉप एट द बिगनिंग. वो कह रहा है कि वन एंड ऑफ द लैडर इज स्मूथ वॉल पे है. एक एंड क्या है, स्मूथ वॉल पे है एंड अदर ऑन द ग्राउंड पे है.
जब आदमी इसके ऊपर चढ़ेगा तो लैडर इज